केंद्रित भारत योजना के अंतर्गत किया जा रहा है भारतीय रेल के स्टेशनों का पूर्ण विकास। पूर्ण विकास शिलान्यास में प्रयागराज मंडल के शामिल रहे 7 स्टेशन। इसी क्रम में टुंडला जंक्शन स्टेशन के शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद चंद्रसेन जादौन, विधायक प्रेम पाल सिंह धनगर, चेयरमैन नगर पालिका टुंडला मदर सिंह श्री वृंदावन लाल, जिला अध्यक्ष राकेश कुमार, महानगर दीपक चौधरी, महामंत्री भाजपा शिव श्री कृष्णा गौतम NRUCC के साथ क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। माननीय सांसद चंद्रसेन जादौन ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए रेलवे में हो रहे विकास कार्यों के बारे में सभी को अवगत कराया। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के टुंडला रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन एवं राष्ट्रीय रेल उपभोगकर्ता परामर्शदात्री काउंसिल NRUCC सदस्य रेल मंत्रालय श्री कृष्णा गौतम के प्रयास से मिली 41 करोड़ की धनराशि, जिसका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टुंडला के पूर्ण विकास का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद माननीय डॉक्टर चंद्रसेन जादौन रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री कृष्ण गौतम ने भाग लिया। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उपस्थित हमारे भारतीय रेलवे बोर्ड के सदस्य आदरणीय श्री कृष्ण गौतम जी, रेलवे के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु, उपस्थित पुलिस प्रशासन और यहाँ पर सब आए हुए हमारे आगंतुक सभी वरिष्ठ माताएं बहनें, सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का जो शिलान्यास आज यहाँ हो रहा है माननीय मोदी जी के द्वारा, रेलवे श्री और भगवान जी श्री सुरसन जी, रेलवे राजधान जी कैसे भजन जी, रेलवे राजधान जी सेवन जी गणेशन जी नगर पालिका के लिए बसे गए प्रतियोगिता के प्रतिभागी थे। अब निबंध प्रतियोगिता सेवा पटवारिया आए। नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया न्यूज लाइव। अभी मैं मौजूद हूँ टुंडला रेलवे स्टेशन में, जो कि आज जो कि नए भारत नए स्टेशन के अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास और शिलान्यास प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑनलाइन उन्होंने उद्घाटन किया। इसी बीच में आज मैं, क्योंकि आज
कुर्ला रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और हमारे साथ अभी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि JEE से थे, सेना से भी मौजूद हैं लोग, उनसे हम प्रतिक्रिया जानते हैं कि किस प्रकार से जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सुधार हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, नए नए योजनाएँ आ रही हैं। हमारे सर मौजूद हैं, SK गौतम सर, उनसे हम जानकारी देते हैं कि आज का काम हुआ है। आज के प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त करते हुए बताना चाहूँगा कि ये जो रेलवे स्टेशन है तो मेरा गृह ग्राम का स्टेशन है। मेरा गांव यहाँ से 15 किलोमीटर का ग्राम बचगांव है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैं कोल इंडिया से सेवानिवृत्त होने के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में वहाँ गुजारा था। 23 वर्ष सर्विस करने के बाद 2018 में मैं रेलवे की जौनक सलाहकार समिति का सदस्य बना, फिर दूसरी बार भी बना और मेरे आए हुए बहुत सारे साथियों ने मुझे भारी बहुमत से 24 जून 2022 को राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री काउंसिल NREC का सदस्य निर्वाचित किया, जिसमें मेरे पक्ष में भारी मतदान हुआ। मेरे 24 वोट पड़े, मेरे जो विपक्ष में खड़ा था उसके 1-12 वोट पड़े, 1-8 वोट पड़े और मतलब मेरे में इतना लोगों ने विश्वास प्रकट किया तो मुझे इससे ज़्यादा हार की खुशी नहीं है। और इस स्टेशन के डेवलपमेंट कराने के लिए मैं 2018 से लग गया तो हमने प्रथम किस्त में भी पैसा दिलाया था, जिसमें हमारी दो लिफ्ट लग गई थी, यहाँ पे एस्केलेटर का पैसा मंजूर हो गया था, लेकिन सामान कुछ चाइना से आना था तो एस्केलेटर लगने में थोड़ी देरी हो गई थी, लिफ्ट का काम पूरा हो गया था, कुछ इंडिकेटर भी मंजूर कराए तो उसके लिए ठेकेदार पहले अलीगढ़ में काम किया, फिर कठेरिया जी इटावा खींच ले गए तो थोड़ा देरी हुई पर हमारा कुछ इंडिकेटर का भी कामयाब पूरा हो गया। और उसके बाद में अभी हमारी यहाँ 22 करोड़ रुपये के लगभग मंजूर था तो मैंने अभी यहाँ पे इलाहाबाद में सांसद बैठक की प्रयागराज, जिसमें मैं केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर एवं शहरी आवास मुख्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब के प्रतिनिधि रूप में गया था और वहाँ हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर यादव पहले सांसद के रूप में गए थे तो हमने तुलना की और मांग रखी दोनों लोगों ने तो उन्होंने बढ़ा के धनराशि 32 करोड़ कर दी और उन्होंने हमारे ही सुझाव पर मैं तय किया था कि सांसद भी घूम पूजन करेंगे। मैंने दिया था कि हर जगह सांसद लोग घूम करते थे, ये मेरा निजी सुझाव था तो उन्होंने कहा जुलाई में घूम पूजन करा देंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा कि मोदी जी ने ही देश भर का कर दिया था, इससे बड़ा खुशी का कोई समाचार नहीं हो सकता है। और अभी हमको तुलना के अलावा फिरोजाबाद और शिल्पाबाद में भी 9 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है। अब हमारा प्लान है कि जैसे ही प्रथम चरण का कार्य पूरा होगा फिर हम द्वितीय चरण की धनराशि रेलवे बोर्ड से दिलाएंगे, माननीय सांसद जी के सहयोग से उसे सब काम होंगे और फिर तृतीय चरण का भी दिलाएंगे। हमारा स्टेशन एक मॉडर्न स्टेशन होगा। इसके अलावा हमने एक और बड़ा कार्य किया है कि रेलवे स्टेशन हमारे टूला विधानसभा क्षेत्र के सारे रेल यात्री कितनी जल्दी से जल्दी पहुँच सकें, इसके लिए हमने सड़कों का चौड़ीकरण कराया है। अभी हमारा फिरोजाबाद जलेसर वाला 25 किलोमीटर 7 मीटर चौड़ीकरण एकदम कंप्लीट हो गया है, मिनटों में लोग इधर से उधर जाते हैं। अभी हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर दिन पचोकरा है उसको हम लोग नारकी तक 15 किलोमीटर जोड़ने के लिए 39 करोड़ का काम तीव्र गति से चल रहा है तो वो हमारे टूला रेल यात्री आसानी से आ सकेंगे। और हम अपने इन्होंने तो रेलवे का विकास बहुत दूर तक कर दिया, हमारे रेलवे के अधिकारियों ने वहाँ तक सड़क को पहुँचा दिया है दीपा चौराहे तक। अभी हम आपके चेयरमैन से भी सोलाजी जो नगर अध्यक्ष हैं के साथ मीटिंग करेंगे, हम चाहते हैं शहर का भी सौंदर्यीकरण इनकी तरह हो, रेलवे की तरह तो हमारा यात्री तेजी से दौड़ता हुआ आ जाए। बोला बच्चों को बोला दो कुंडला भी कुंडला की जो सारी पैसेंजर एवेलेबल है उसको अपग्रेड किया जाएगा, सारी वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और स्टेशन की तुलना जो आप किसी भी वैश्विक स्तर पे किसी भी स्टेशन से कर पाएंगे ये सारा काम होने के बाद। जो भी पैसेंजर की रिक्वायरमेंट है, वेटिंग हॉल हो गए, कैफेटेरिया हो गया, रिटायरिंग रूम हो गया, सर्कुलेटिंग एरिया हो गया, सेकेंड एंड कैंप गई, सारा सब कुछ इस प्रोग्राम में इस डेवलपमेंट स्कीम में इंक्लूड है। सर देखा जाए तो अभी भी जो है कि जो वेंडर होते हैं अभी भी उनका जो है कि एक्स्ट्रा लेना भी छोड़े नहीं है, पाकिस्तान में एक्स्ट्रा मैंने इससे पहले भी सबसे मैंने कंप्लेन के दौरान कंप्लेन किया था तो उसको उन्होंने एक्शन भी किया
उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग लगातार ट्रेन चेक कर रहे हैं, सभी स्टाफ भी चेक कर रहे हैं और लगातार ट्रेन जो भी लोग पाए जा रहे हैं इस प्रक्रिया में लिप्त हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और अगर आपकी निगाह पे कोई आते तो आप उसे तुरंत बताइए हम उसको जी। तो आप इस बैठक में मुख्य रूप से क्या रहा आज? आज की बैठक का सबसे मुख्य रूप यही था कि आज का जो हमारा स्टेशन डेवलपमेंट का प्रोग्राम बैठक हुआ था प्रधानमंत्री जी ने सुबह डिजिटल प्रोजेक्ट में उद्घाटन किया और बहुत सारे अच्छे काम करा रहे हैं। तो आज से ये मानिए का प्रशिक्षण का काम शुरू हो गया। अब जो अगले डेढ़ या दो साल का जो टारगेट है उससे पहले ही हो, उससे पहले आज का जो अभी डेवलपमेंट बनाऊंगा के अंदर आपका पूरा सर्कुलेटिंग जो एरिया है उसको इतना प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा गैदरिंग को, बहुत ज़्यादा क्राउड को जो है कैटर करता है। उसके अलावा जो पैसेंजर अमिनिटीज़ हैं, कैफेटेरिया, वेटिंग हॉल्स या फिर आपके रिटायरिंग रूम हो गए या फिर उसके अलावा जो टिकटिंग वाली व्यवस्था हो गई, ये सारी व्यवस्था को भी अपग्रेड करके एकदम मॉडर्नाइज किया जा रहा है। सेकेंड एंट्री ताकि स्टेशन की उस पार भी जो है डेवलपमेंट शुरू हो उसको भी इसमें इंक्लूड किया। तो एक टाइप से आप ये मानिए कि एक डेवलपमेंट सेंटर के तौर पर स्टेशन को देखा जा रहा है और उसी थीम के अंदर जो इसको डेवलप किया ताकि ये एज ए कैटलिस्ट काम करे, डेवलपमेंट के कैटलिस्ट की तरह काम करे पूरे शहर में, उस तरीके से स्टेशन को देखा जा रहा है।